रहमान रहीम, आप देख रहे हैं हल्का सियासत और मैं हूं अली रिजवी। आज हम पहुंचे हैं जी पीपी 167 में, जहां के उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है 17 जुलाई को। यहां से मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार खड़े हुए हैं नज़ीर चौहान, जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर अहमद एडवोकेट साहब हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इन तीनों और तीसरे कैंडिडेट हैं यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के हसनैन शहजाद। इस जमात ने खासा टफ टाइम देना है 17 जुलाई को। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, वोट किसको दिया जाएगा, तब्दीली का नारा या फिर पुराने पाकिस्तान में रहना? आइए चलते हैं आवाम के दरमियान और इनसे पूछते हैं कि इनका वोट और सपोर्ट किसके लिए। जुलाई को वोट किसको देना है? हमने इमरान खान को देना है। इमरान खान को देना है? हाँ जी। क्यों? इंशाल्लाह, क्योंकि वो अच्छा लीडर है, इसलिए। हाँ जी, ये वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। नज़ीर चौहान लोटे वगैरह सब बांट जाएंगे यहाँ से। ये अब देखो आपके सामने ये कितने हालात बुरे कर दिए, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। दूसरी बात, ये सब पार्टियाँ चोर एक तरफ होगी, वो केला खुददार इंसान है एक तरफ, तो ये चीज़ है दफ्तर का बहाने लोगों को दे रहे हैं। चलो जी, वो भाई साहब आए हैं जरा दूध दूध लेने के लिए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। दूध तो ले रहे हैं माशाल्लाह। ये बताएं 17 जुलाई को वोट किसका है? इमरान खान का। क्यों जी? हैं क्यों? ये लोटे कट्ठे हैं सारे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी भी इनको ही लोग वोट देना। लो जी, बस बस पेट्रोल कहाँ पे चला गया, मेरे बच्चों का दूध नहीं पूरा होता, मुझे बताया मैं क्या करूँ। 250 रुपया पेट्रोल है, दूध का डब्बा मैं 650 का लेता, 850 का हो गया। जुलम जुलम जी। भाईजान वोट किसको? इमरान खान साहब को। यंग बंदे हैं, इमरान खान को ही देना। और किसने इनके हाथ में अगर मुस्तकबिल आया जैसे इन्होंने ये किया है। अब देखिए मेरी मोटरसाइकिल, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, स्टूडेंट आदमी हूँ, सही है, 250 का डलवा के जाता हूँ, 250 का डलवा के आता हूँ, 500 का तो पेट्रोल चला गया, 15,000 इधर गया मेरे मेहाना के। रिहाइश देखें और सहूलतें इन्होंने क्या दी है, वोट इमरान खान को। वोट इमरान खान, अल्लाह करे जी आगे कोई मुझे मिल जाए। लेकिन जिस जैसे जैसे सर्वे करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है, कुछ यहाँ के रिहायशी, कुछ यहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ भी फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब बड़े भाईजान 17 तारीख को इलेक्शन है जी, वोट किसका है? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का। हाँ जी। आप समझते हैं कि मजीद महंगाई नहीं होगी, बचत हो जाएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो 1-2 महीने के बाद महंगाई ख़त्म हो जाएगी। वालेकुम सलाम जी। इधर ही रहते हैं जी? इधर ही रहते हैं। वोट किसका? वोट PTI का इंशाल्लाह। PTI का जी। उसकी क्या वजह है यार? उसकी वजह है कि मियां शहबाज शरीफ सुबह तहज्जुद के टाइम उठते हैं। अच्छी बात है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुल्क को कौम के मुल्क की सेहत के लिए नहीं अच्छा। मुल्क की सेहत के लिए भी अच्छे होंगे, लेकिन हमें जो उनसे बेहतर ऑप्शन नज़र आती है वो फिलहाल तो इमरान खान साहब ही। इमरान खान नज़र आते हैं जी? बिल्कुल। आप समझते हैं कि मुल्क की भागदौड़ इमरान खान संभालेंगे इंशाल्लाह जी? बेहतर। वापस आ जाएंगे भरपूर ताकत के साथ, 2/3 के साथ आएंगे इंशाल्लाह। सर वोट किसका है 17 को? PTI। हाँ जी, PTI। PTI का वोट है। चलो जी भाई जी, 17 को वोट किसका है जी? 17 तारीख को वोट किसको देंगे? इमरान खान का। इमरान खान को देंगे जी? नज़ीर चौहान को नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इधर से नहीं, हम भावलपुर से हैं। अच्छा, आप भावलपुर से हैं। वोट किसका जी? इमरान खान का। आप इधर गई हैं जी? इधर गई हैं। इधर गई हैं जी। तो अपने जो मेहमान आए हैं ये कह रहे हैं इमरान खान को देना, आपने भी कह दिया। भाई जान वालेकुम सलाम जी, वोट किसको दे रहे हैं? नज़ीर चौहान को इंशाल्लाह। इमरान खान। नज़ीर चौहान को नहीं? नहीं, हमारे इलाके में तो है शबीर गुजर है, इमरान खान की वजह से हमें उसे देना। ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। सर वालेकुम सलाम। वोट रहमतुल्लाह जी। वोट किसका है? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा। हाँ जी, जिंदगी रही तो जी इंशाल्लाह जीतेगा, अगर बेईमानी हेरा फेरी ना हुई तो। बहुत
अल्लाह खैर करे। इमरान खान का वोट है। इमरान खान का? जी इमरान खान की हो गया। मैं किधर आ गया हूँ? पीटीआई का वोट इंशाल्लाह। सर जी वोट किसका है? टीएलपी का। टीएलपी का आए जी। अब जरा गली मोहल्ले में यहाँ पर लोग जो हैं इनसे भी बात कर लें, जरा गली मोहल्ले की सियासत भी आपको दिखा दें। सत्रह तारीख को इलेक्शन है, वोट किसका है? जिधर कहेंगे दे देंगे। अभी मैंने कहा थोड़ी कहना है, आपने बताना है। डाल देंगे वोट। डालेंगे तो सही किसको? किसको कहोगे डाल देंगे? इमरान खान को डालेंगे। जी इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगे? इनका भी इमरान खान का फैमिली है हमारे। अच्छा पूरी फैमिली इमरान खान को डालेंगे? इंशाल्लाह। नहीं भाई के कहने पे क्या दिल के कहने? हाँ ये जिसने कह दिया फिर मैंने कह दिया, एक ही बात है। बाजी वोट किसका है? इमरान खान। इमरान खान का। भाई यहाँ 17 को इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका है? वोट तो जी ये डिपेंड करता है जी 17 को, क्योंकि हमने अभी तक सिस्टम देखने हैं सारा माशाल्लाह। हमने जंगीर तरीन साहब के जो है वो क्या नाम है पीटीआई का भी बंदे अभी होके गए थे, नून लीग का हमारा वैसे ही गढ़ है ये जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वोट भी हैं, गढ़ है। लेकिन मैं तो जिससे पूछ रहा हूँ तहरीके इंसाफ वो कह रहे हैं ये अभी जो अभी गए ना हम भी असल में होके, तो हम वैसे वोट डालेंगे नून लीग को। ठीक है नून लीग को जनाब। हाँ जी पीटीआई को। पीटीआई को? हाँ जी। अब इनके साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं नून लीग को। आप मल्लेदार हम छोड़ तो नहीं ना सकते। ये हुसन है वैसे जमहूरियत सियासत अपनी जगह जमहूरियत का तो ये है जमहूरियत है। वोट नून लीग को डलवा पीटीआई को। वो कल्ले रह गए हो तुसी पीटीआई? अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई। वो सर जी कल्ले रह गए हो जी भरा साडा अल्लाह दे कोने जमहूरियत है की इस मल्ले। अरे वाह अरे वाह। वोट वोट इमरान खान वो देख रही वो। अरे वो भाईजान भाईजान सर जी वोट किसका? पीटीआई का। ये पीटीआई हैं। अच्छा वो जो मियां साहब हैं बड़े वाले वो कब आएंगे? मेरा वैसे सवाल मियां नवाज शरीफ साहब जी देखें मेरी बात सुने जी, हमारी आज तक पहुंच आपकी तो मीडिया के सर्कल है ना, इन सब की भी पहुंच खान साहब तक की नहीं है। ठीक है इन सब की और हमारी पहुंच एक ही जगह की है। हाँ। तो जो हमारे हलके का जो बंदा है हम वहाँ तक पहुँच जाते, हमारे काम सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है हम मलक शौकत अली खोखर साहब सर जी छोड़ दे, मैंने तो वैसे पूछा है मियां साहब वैसे कब वैसे बताने लगा मैंने वैसे पूछा मैंने इसलिए पूछा वो बात बताना सुन तो नहीं आप तसल्ली से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ आपकी तो पहुँच है इतने बड़े लोगों तक, क्योंकि मीडिया सर्कल है ना, हमारे किसी की भी पहुँच यहाँ से इनकी भी किसी की पहुँच शबीर तक बुझाने तक नहीं है। तो हमारे नून लीग का जो वोट जो है वो तो हम देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह दिलवाएंगे भी इन सब से। अच्छा मैं आपका एक खसूसी पैगाम लंदन तक बराए रास्त भिजवाता हूँ, कह रहे हैं कि मियां साहब आ जाओ। मियां साहब इनकी भी सुनो हमारी भी सुनो, हम आपके साथ हैं। ते आ जाओ। आ जाए जी आ जाए आज जरूर। वेलकम जी मियां साहब वेलकम। भाईजान ठहर जाए भाईजान, गाड़ी मोड़ रहे हैं वापस। सर जी मुझे ये बताते जाए 17 तारीख को वोट किसका? पीटीआई। सर जी क्या हो गया, मैं कौन से लाते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। अच्छा वैसे ही बच्चों से पूछ लेते हैं, इन्होंने वोट बाद में डालना है। वोट किसका है? पीटीआई का। क्यों जी? पीटीआई। और क्यों जी? पीटीआई। क्यों जी? पीटीआई। पीटीआई हैं जी? पीटीआई हैं जी? पीटीआई हैं जी? पीटीआई। कौन भाई? पीटीआई। और नून को भी डालना है वोट? पीटीआई। हेलो पीटीआई। हाँ जी पीटीआई। पीटीआई अंदाजा कर ले, अंदाजा कर ले। आओ जी आगे चलो। एक मिनट, और वोट किसका है? इमरान खान का। आपका जी? नून लीग का। नून लीग का, ठीक है शुक्र अल्लाह का। किसने तो नून लीग का नाम लिया? जी इमरान खान का वोट है लेकिन जीतेगी नून लीग। वोट किसका छोड़े जीते हार छोड़े? 85% अवाम बल्ले को वोट लगाएगी और जीतेगी नून लीग, क्योंकि वो इस चीज के खिलाड़ी है इमरान खान। आने वाला वक्त, आने वाली जो जनरेशन है, खान साहब कहते हैं कि ये बच्चों को ये कौम को शऊर आ चुका है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं टाउनशिप के इस इलाके में, आपको सर्वे करवाया और इलाके में लेकर चलता हूँ, हल्का 167 जहाँ पर तहरीक इंसाफ का बोल अभी से बाला हो चुका है, बहुत कम लोग मिल रहे हैं, अल्लाह करे आगे जाके मिल जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।